नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव की खास पेशकश देश की दशा और दिशा। मैं हूं आपके साथ खुशी, लेकर आई हूं एक सनसनीखेज खबर। शादी से इनकार पर युवती का गला रेता, घर में घुसकर किया था प्रेमिका पर हमला, आरोपी ने ऑनलाइन चाकू खरीदा। जी हां, धार में चाकू और घर में घुसकर युवती की हत्या का मामला बड़ा ही खुलासा सामने आया है। इसका खुलासा हुआ है, आरोपी युवती से शादी करना चाहता था लेकिन युवती और उसके परिवार वाले राजी नहीं थे। आरोपी का कहीं और भी शादी नहीं हो रही थी। शादी की बात को लेकर दोनों ही कहासुनी हुई और आरोपी ने युवती पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी और उसकी युवती के बीच में पिछले 5 से 6 वर्ष का प्रेम संबंध थे। हालांकि करीब सात महीने पहले ही दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया था। फिर भी आरोपी उससे शादी करना चाहता था लेकिन युवती इनकार कर रही थी। वारदात के दिन आरोपी ने लड़की के घर में घुसकर उसकी गर्दन पर चाकू से कई बार वार किए और उसे गंभीर हालत में इंदौर रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इधर पुलिस ने आरोपी की घटना के 6 घंटे बाद शनिवार को ही गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट पर आरोपी को 1 दिन के रिमांड पर सौंपा है। वहीं युवती को उसके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया। और एक कहानी और एक हत्याकांड सामने आ रहा है, जो कि हत्या के वारदात धार के इमिलबिन क्षेत्र में हुआ है और युवती के घर में हुई है। शनिवार की दोपहर करीब 3 बज रहे थे। घर में आने वाले कमरे में युवती अपने भाई के साथ में टीवी देख रही थी। इसी दौरान अचानक आरोपी लखन पिता गिरधर परमवर वहां पर पहुंचा। इसी दौरान युवती से बातचीत में दोनों के बीच कहासुनी हुई। इसी बीच दोनों आरोपी ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। इसके बाद मौके पर से ही फरार हो गए। गले, पीठ और सीने पर कई बार वार किए। आरोपी ने युवती के गले, पीठ और सीने पर चाकू से वार किए थे। वारदात के बाद युवती की बड़ी बहन ने आरोपी के अपने पिता को फोन पर घटना की जानकारी दी। उसने पड़ोस में रहने वाले युवक को बुलाया। इसके बाद वह घायल बहन को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर ने 35 मिनट तक युवती का प्राथमिक उपचार दिया, 35 टाके लगवाए, जान बचाने की कोशिश भी की। युवती के गले की सांस की नली पर गहरा घाव हुआ था। धार अस्पताल में गले पर 25 का टाके सहित अन्य स्थानों पर 29 टाके लगाकर युवती की जान बचाने की कोशिश की गई, लेकिन युवती की हालत गंभीर बनी हुई थी। उसे धार से इंदौर के लिए रेफर कर दिया गया था। इंदौर में अस्पताल के इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की 3 टीमें भी लगाई है। दिन दहाड़े चाकूबाजी की इस घटना के लिए CSP देवेंद्र धुर्वे की कोतवाली TI समीर पटीदार मौके पर पहुंचे। जांच के लिए 3 टीमों की गठित की गई, जिसमें से पहली टीम घटनास्थल पर पहुंची और दूसरी टीम आरोपी की तलाश करने में लगी। वहीं परिजनों ने घटनाक्रम समझाने के लिए तीसरी टीम भी भेजा था। वारदात 6 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर कोतवाली पुलिस ने धार के मंडू रोड से फायरिंग क्षेत्र में रेंज क्षेत्र में पीछे हिस्से में छिप कर बैठे हुए आरोपी लखन को रात 9 बजे अरेस्ट कर लिया गया। घटना के महज 6 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस थाने में रेफर कर दिया गया। इसके बाद जब पुलिस ने इस मामले में पहले प्रधान घातक हमले की धारा में केस दर्ज कराया, जांच के दौरान की हत्या का धारा बड़ा भी हो चुका था। ऑनलाइन ऐप से बुलाया था चाकू। जी हाँ, TI समीर पटीदार ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने लखन को पूरी रात घटना को लेकर पूछताछ की। आरोपी ने बताया कि हत्या में उपयोग किए गए चाकू 6 महीने पहले ही एक ऐप के जरिए 450 रुपये में ऑनलाइन बुलवाया था। उसने बताया था कि कुछ ही महीने पहले मैं हमला करने की कोशिश में था। इंदौर में पहुंची FSL की टीम ने गंभीरता को देखते हुए इंदौर से FSL की टीम को धार पहुंची थी। हत्या के मामले को कोतवाली थाने पर जानकारी लेने के बाद अब टीम युवती के घर में पहुंची, जहां की 12 की से जांच करते हुए पंचनामा बनाया गया। इधर सुबह ही कुछ समय कोतवाली पुलिस ने आरोपी को इधर घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद जब पुलिस टीम की आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया और स्थान पर लेकर पहुंची। इस मामले में PM रिपोर्ट की भी सहित FSL टीम द्वारा बनाई गई रिपोर्ट भी पुलिस के ही जल्दी प्राप्त हो जाएगी, जिसके आधार पर पुलिस के आगे जांच करेगी। पुलिस को नहीं मिल रहा था चाकू। आरोपी के लखन के रविवार दोपहर को धार कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आरोपी को 1 दिन की रिमांड कर सौंपा गया। पुलिस ने इस वारदात में प्रयोग किया गया चाकू भी नहीं मिल पाया। आरोपी के अनुसार हमला करने के बाद सबसे पहले उसने एक अपने दोस्त से मिला, जिसे ही आरोपी ने अपना मोबाइल फोन दे रखा था और बड़े ही भाई को फोन करने के लिए कहा था। इसके बाद आरोपी ग्राम सकलनपुर पहुंचा, जहां गिट्टी खदान के पास उसने तावलनुमा डैम में चाकू फेंकने के बाद आरोपी ने
पुलिस को बताई थी। रिमांड के बाद चाकू की पुलिस तलाश करेगी। ऐसी खबरें फिर लेकर आए किसी समय इसी जगह, तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश देश के दशा और दिशा। मेरे साथ यानी खुशी के साथ नमस्कार।